हाय दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपको पढ़ा रही हूँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ फोर्थ यूनिट। इसमें मैं हेडिंग बताऊँगी आपको एपिडेमियोलॉजी के सिद्धांत। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब कीजिए। एपिडेमियोलॉजी के सिद्धांत एवं विधियाँ। एपिडेमियोलॉजी की अवधारणा चिकित्सा विज्ञान के जन्म के साथ ही पाई जाती है। एपिडेमियोलॉजी के जनपदिक रोग विज्ञान, महामारी विज्ञान, संक्रामक रोग विज्ञान आदि नामों से जाना जाता है। एपिडेमियोलॉजी शब्द का प्रचलन ईसापूर्व 3री शताब्दी से ही पाया जाता है, किंतु 19वीं शताब्दी से इसका व्यापक प्रयोग होने लगा है। एपिडेमियोलॉजी ग्रीक भाषा के 3 शब्दों एपिडेमोन्स मदसे डेमोन्स पीपल व्यक्ति लॉन्गस स्टडी और साइंस विज्ञान से मिलकर बना है। अर्थात एपिडेमियोलॉजी व्यक्तियों के मध्य होने वाली घटनाओं का अध्ययन या शास्त्र है। एपिडेमियोलॉजी की परिभाषाएं, डेफिनेशन है इसकी। एपिडेमियोलॉजी की अनेक परिभाषाएं प्रचलन में, किंतु सभी परिभाषाओं में प्रमुख घटक लगभग एक समान है। इनके रोगों की आकृति या बारंबारता का अध्ययन, रोगों के फैलने या उनके वितरण का अध्ययन, रोगों के कारणों का अध्ययन। नेक्स्ट डेफिनेशन है, एपिडेमियोलॉजी का अर्थ व्यक्तियों में संक्रामक रोगों की उत्पत्ति, उनके कारणों तथा फैलाव या वितरण का अध्ययन करना, प्राचीन दृष्टिकोण। नेक्स्ट डेफिनेशन है, व्यक्ति में रोग होने के निर्धारित तत्वों तथा रोग के फैलाव या वितरण का अध्ययन, एपिडेमियोलॉजी। मैंक मेहान 1960 में उन्होंने लिखा था। एपिडेमियोलॉजी के उद्देश्य, इनके एम्स हैं। एपिडेमियोलॉजी का प्राथमिक उद्देश्य रोगों की शीघ्र पता लगाना तथा उससे बचाव करना है, ताकि जनसंख्या स्वास्थ्य का संरक्षण एवं संवर्धन हो सके। इस प्रकार एपिडेमियोलॉजी के माध्यम से समाज का कल्याण किया जा सकता है। इनके प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं, व्यक्तियों एवं पृष्ठ व्यक्तियों एवं समूह में स्वास्थ्य एवं रोगों की समस्याओं का फैलाव, विस्तार तथा परिणाम का वर्णन करना। नेक्स्ट है, रोगों के खतरों के घटकों अथवा रोगों की उत्पत्ति या रोगजनक कारकों का पता लगाना अथवा उनसे चिन्हित करना। नेक्स्ट है, रोग के नियंत्रण तथा उपचार हेतु योजना क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं सेवाओं की प्राथमिकता तय करने हेतु डाटा उपलब्ध कराना। एपिडर्मोलॉजी संक्रामक बनाम गैर संक्रामक रोग, संक्रामक एवं गैर संक्रामक रोगों के मध्य पाए जाने वाला एपिडर्मोलॉजी संबंधित अंतर प्रमुखता समय तत्व का होता है। संक्रामक रोग की तुलना में गैर संक्रामक रोगों की उद्भवन अवधि लंबी होती है तथा इनके घटित होने की संख्या या अवधि भी कम पाई जाती है। यद्यपि रोग का फैलाव या विस्तार संक्रामक रोग के समान ही होता है, गैर संक्रामक रोगों की लंबी उद्भवन अवधि होने के कारण खतरे के कारकों को पर्यावरणीय कारण भी जुड़ जाते हैं तथा कारण परिणाम संबंध का पता लगाना कठिन हो जाता है। दोनों में स्थिति एपिडेमियोलॉजी के निदान अथवा जांच की प्रक्रिया एक समान ही होती है, किंतु कल्पना के आधार पर परिरक्षक का चरण संक्रामक रोगों की अपेक्षा गैर संक्रामक रोगों में एक से अधिक कारकों पर केंद्रित किए जाते हैं। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट हेडिंग में, एपिडेमियोलॉजी निदान प्रक्रिया। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।